शेयर करने वाली हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, बहुत ही हेल्दी है, साथ ही बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन इस ब्रेकफास्ट में है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग दाल चीला स्टफ्ड के साथ, और साथ ही शेयर करूँगी इसके साथ टेस्टी सी चटनी पुदीने और नारियल की। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, सारे स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में ही। सो हे गाइस, वेलकम टू माई चैनल पुजास फूड लैब। तो चीला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है पीली वाली मूंग दाल, जैसा मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ कि ये बिना छिलके वाली मूंग दाल है। और यहाँ पे मैंने एक कप मूंग दाल लिया था और उसे पानी में डाल करके 3 से 4 घंटे के लिए मैंने भिगो करके रख दिया है ताकि अच्छे से ये फूल जाए। तो आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से फूल गई है, इसे ज़्यादा समय नहीं लगता है फूलने में, 3 से 4 घंटे में ये फूल जाती है। तो झटपट से अगर आपको बनाना हो तो ये हेल्दी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं दाल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तो बस इस तरीके से आप भिगो करके दाल रख लें और इसे बनाने से पहले 1 से 2 बार इसे अच्छे से वॉश कर लें। तो यहाँ पे मैंने वॉश कर लिया है, अब चलिए इसको पीसने का प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सी जार में इसे सारा फिल कर लिया है और ईज़िली इसे पीसने में टाइम नहीं लगता है, झटपट से पीस करके रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने फिल कर लिया है सारे दाल को जार में। ये हेल्दी रेसिपी बहुत ईजी है, झटपट से बन जाएगी। मैं ईजी स्टेप्स आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएं अपने घर में। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अदरक और साथ ही ऐड कर रही हूँ हरी मिर्च, मैंने 2 से 3 ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर लें जैसा आपको तीखा पसंद हो। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा 1/2 टीस्पून, इसे ज़रूर ऐड करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें और थोड़ा सा पानी मैं इसमें डाल करके इसे पीस लूँगी। पानी इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ऐड ना करें, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में आगे कि इसकी कंसिस्टेंसी आपको किस तरीके से रखनी है। तो यहाँ पे मैंने इसे पीस लिया है फटाफट और कुछ इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी है, मैं आपको अच्छे से पास से भी दिखाती हूँ, ना ये ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है ताकि आपका जो चीला बने वो बहुत ही परफेक्ट बने। तो बस यहाँ पर मैंने इसे एक बोल में ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें फेंटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ये इंस्टेंट आप इसे चीला बना सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट आपका चीला बनेगा। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और इसे भी डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस इसमें और कुछ भी आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी लगता है खाने में। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका जो दाल का बैटर है वो कितना बढ़िया प्रिपेयर हो गया है। तो बस इस तरीके से आप मूंग दाल का चीले का बैटर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बस इसे रखते हैं साइड और चलते हैं इसके फिलिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है ग्रेटर जिससे मैं ग्रेट करूँगी पनीर। हाँ, हम इसकी फिलिंग करेंगे पनीर से ताकि ये चीला पूरी तरीके से प्रोटीन फुल रहे और आपका जो नाश्ता रहे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बने। तो यहाँ पे मैंने पनीर को पहले पतले वाले ग्रेटर से इसे ग्रेट कर लिया है और बाकी का आधा मैं ग्रेटर बड़े वाले से करूँगी। इससे क्या है थोड़ा सा इसका दाना बड़ा बड़ा भी खाने में अच्छा लगता है चीले में। तो इस तरीके से मैंने पनीर को ग्रेट कर लिया है और यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया था और इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। पनीर हमारा ग्रेट हो गया है, अब इसमें ऐड कर देते हैं कुछ वेजीज। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आधा कटा हुआ प्याज बारीक मैंने ऐड किया है, साथ ही ऐड कर दिया है शिमला मिर्च जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कट करके ऐड किया है, और थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है बारीक कटा हुआ गाजर। इससे जो स्टफिंग बनेगी अच्छी कलरफुल बनेगी और साथ ही बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अजवाइन, इसका कॉम्बिनेशन दाल के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अजवाइन ऐड कर दिया है, साथ ही ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। आप चाहें तो इसमें धनिया पत्ती भी ऐड कर सकते हैं, पर कसूरी मेथी ज़रूर एक बार डाल करके बना कर देखें, इसकी जो स्टफिंग की जो टेस्ट और फ्लेवर आएगा बहुत ही बढ़िया आएगा। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने स्टफिंग में अभी नमक का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि इससे पानी निकल जाता है और स्टफिंग अच्छा नहीं रहता है। नमक हम बाद में ऐड करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कब ऐड किया है। तो स्टफिंग अच्छे से हमारा प्रिपेयर हो गया, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो तवा अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैंने इस पर थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया है। ब्रश की हेल्प से तेल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे तवे के ऊपर ताकि अच्छे से ये ग्रीस हो जाए तवा और चीला बहुत ही परफेक्ट हमारा बन करके निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने तेल को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। तवे पे मैं एक
लेडल पूरा भर करके ये बैटर पोर कर दूंगी और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। बस ध्यान रखें कि चीला हमें थोड़ा सा मोटा बनाना है, डोसा की तरह बिल्कुल भी पतला नहीं बनाना है, अदरवाइज जो चीला का जो बैटर है वो अच्छे से ये फ्लिप नहीं होगा। तो बस आप देख सकते हैं मैंने इसे ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया, ज़्यादा बिल्कुल भी मत फैलाएं। अब इस पर इमिडिएटली हम इस पर रख देंगे फिलिंग, ताकि इससे ये फिलिंग दाल के साथ चिपक जाए और वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। यही टिप फॉलो करें जब भी आप मूंग दाल का चीला बनाते हैं स्टफ्ड वाला। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से फिलिंग को स्प्रेड कर लिया है। अब स्पून की हेल्प से हल्का हल्का हम इसे दबा देंगे ताकि जो पनीर, गाजर और शिमला मिर्च है वो दाल के साथ अच्छे से चिपक जाए। इससे जो स्टफिंग होगी वो बिल्कुल भी आपकी बाहर नहीं गिरेगी। स्टफिंग अच्छे से फैला लेने के बाद अब मैं इस स्टेज पर ऐड करूँगी नमक। तो यहाँ पे नमक मैंने थोड़ा सा ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। बस ध्यान रखें आप कि हमने मूंग दाल के बैटर में भी नमक ऐड किया था और उस तरीके से आप इस पर नमक ऐड करें। मैंने ऊपर से थोड़ा सा तेल इस पर ऐड कर दिया है और अब लिड लगा करके इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आँच पर, ताकि अच्छे से ये पक जाए नीचे से। 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए, मैं आपको यहाँ पे इसका लिड हटा करके दिखाती हूँ कि कितना परफेक्ट ये पक करके रेडी हुआ है। ये देख सकते हैं इसने ईजिली तवे को छोड़ दिया है। आप इसे धीमी आंच पे पकाएंगे तो ये बहुत ईजिली आपको ये फ्लिप करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे चीले को फ्लिप कर लिया है और ये परफेक्ट चीला हमारा फ्लिप होने के बाद आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है। ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करके हम इसे पका लेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए पनीर के ऊपर। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्लिप करके पकाएंगे और फिर 1 से 2 मिनट बाद इसे फ्लिप कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आ गया है। कुछ इस तरीके से झटपट से आप ये मूंग दाल के चीले प्रिपेयर कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में हेल्दी तरीके से। तो ये हमारा पहला चीला बन करके रेडी है। इसी तरीके से सारे मैं चीले बना करके प्रिपेयर कर लूँगी और इसके लिए फटाफट एक चटनी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक वॉक में ऐड कर दिया है थोड़ा सा तेल और साथ ही ऐड कर दिया उड़द दाल 1/2 चम्मच। उड़द दाल को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे ये झटपट सी चटनी भी आप इस चीले के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही यमी लगेगा। तो उड़द दाल अच्छे से ये ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो हरी मिर्च को भी कुछ सेकेंड के लिए बस हम पका लेंगे और फिर इमिडिएटली हम इसमें ऐड कर देंगे हरी धनिया पत्ती। साथ में इसकी डंडी भी ज़रूर ऐड करें और जितना धनिया पत्ती ऐड करें उतना ही मैंने यहाँ पे पुदीने के पत्ती भी ऐड किया है। 1 मिनट के लिए इसे भी पका लेते हैं ताकि धनिया पत्ती और पुदीने की पत्ती में जो कच्चा फ्लेवर है वो भी पक करके रेडी हो जाए। तो 1 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं पकाना है और गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे एक प्लेट में निकाल लें और ठंडा होने के बाद इसको पीस लें। तो यहाँ पे 1 मिनट हो गया, आप देख सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया ये पक करके रेडी है। तो यहाँ पे मैं निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में और इसे ठंडा होने तक का वेट कर लेते हैं। अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद ही आप इसका पेस्ट बनाएं, चटनी बनाएं, तभी आपकी जो चटनी बनेगी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो ये अच्छे से ठंडा हो गया है तो मैंने यहाँ पे इसे जार में ऐड कर दिया है, साथ में ऐड कर दिया फ्रेश नारियल। तो ये बहुत ही परफेक्ट चटनी लगती है चीले के साथ, आप इसे ज़रूर बना करके एक बार ट्राई करें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और इसे पीसने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है पानी। अब इसको फटाफट पीस लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी चटनी बन करके तैयार है पीस करके। अब इसके लिए परफेक्ट तड़का देख लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, साथ ही ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून सरसों के दाने। सरसों के दाने अच्छे से स्प्लैटर हो जाने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करी लीफ। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करी लीफ ऐड कर लें और अच्छे से ये ब्राउन हो जाने तक का वेट करें और इसे पोर कर दें चटनी के ऊपर। तो ये हमारा तड़का, सिंपल सा तड़का रेडी है इस चटनी के लिए। फटाफट इसे पोर कर लेते हैं चटनी के ऊपर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये साउथ इंडियन स्टाइल कोकोनट मिंट चटनी बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी ये बढ़िया दिख रही है। तो इस तरीके से आप ये इंस्टेंट चटनी बना सकते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं डोसा, इडली और चीले के साथ, बहुत ही यमी लगती है। तो फटाफट इसे सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म चीले के साथ और इसे इंजॉय करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर दिया फटाफट, और आप इस चटनी को ज़रूर ट्राई करें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी मूंग दाल चीले की। पूरी तरीके से ये हेल्दी रेसिपी है, फुल ऑफ प्रोटीन है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें अपने ब्रेकफास्ट में। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी हेल्दी मूंग दाल चीले की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ज़रूर शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताकि वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। मैं यहाँ पे आपको तोड़ करके भी दिखा रही हूँ कितना ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन करके ये रेडी है। मैंने जब इसे टेस्ट किया तो वाकई मुझे बहुत ही यमी लगा, बहुत ही यमी है ये चीले की डिश। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिए।